बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, बीएससी मैथ चैप्टर नंबर 8 इनफिनाइट सीरीज 8.2 का ये वीडियो लेक्चर नंबर 5 है। इस वीडियो लेक्चर में हम इस क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे कि जो हमें सीरीज दी गई है, ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डिवर्जेंट है। हमने डिफरेंट टेस्ट की मदद से बताना है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट्स है या डिवर्जेंट्स है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इस पर कौन सा टेस्ट सूटेबल अप्लाई होता है, इस पर कौन सा टेस्ट अप्लाई हो सकता है। इस सीरीज के लिए सूटेबल सबसे आसान टेस्ट जो है वो कौन सा टेस्ट है, जिसको अप्लाई करने के बाद हम इसका आंसर आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो इस पर सबसे पहले मैं लिमिट कंपेरिजन टेस्ट अप्लाई करके चेक करूँगा। इस पर लिमिट कंपेरिजन टेस्ट अप्लाई करके चेक करेंगे, उसके बाद इस पर बेसिक कंपैरिजन टेस्ट भी अप्लाई करके आपको बताया जाएगा इस पर। तो चलिए पहले लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करते हैं इस पर। लेट ए एन इक्वल है 2 की n ओवर 3 की n+1। इससे हमने चूज करना है बी एन। बी एन कैसे चूज करेंगे? बी एन इक्वल है यहाँ से ऊपर 2 की पावर n ओवर 3 की पावर n। ये हमने बी एन चूज कर लिया इसमें से n वाली वैल्यूज को लेकर। अब क्या करना है आपने? आप जानते हैं लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट का रूल, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में हम ए एन को डिवाइड करते हैं बी एन पर। इक्वल है ए एन को डिवाइड करते हैं 2 की पावर n ओवर 3 की पावर n+1 है इधर हमारे पास। मल्टीप्लाई उसके बाद बी एन, बी एन वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी, 3n ऊपर हो जाएगा और 2n नीचे आ जाएगा। ये 2n इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू हो बच जाएगी वो 3n ओवर 3 की n+1, ये हमारे पास बच जाएगी। इधर हमारे पास ए एन ओवर बी एन रह जाएगा। अब इस पर हम लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट अप्लाई करेंगे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन इक्वल है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 3 की n ओवर 3 n+1। अब क्या करना है? सिंपल, इस साइड को हल करना है। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 3n एज इट आ जाएगा। नीचे से हम 3n कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 3n कॉमन लेंगे ताकि ऊपर वाले 3n को कैंसिल कर सके। तो यहाँ हमारे पास 1 रह जाएगा, +1 ओवर 3n आ जाएगा इस तरह से। ये इसके साथ कैंसिल हो गया। अब इस पर हम साथ ही लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 ओवर 1 प्लस 1 ओवर 3 की पावर इन्फिनिटी। अब देखो हमारे पास कोई भी नंबर दिया गया हो, उसकी पावर इन्फिनिटी जब हम लेते हैं, नंबर की पावर इन्फिनिटी, जाहिर सी बात है कोई भी नंबर हो, 2 हो, उसकी पावर इन्फिनिटी, हमारे पास फिर से इन्फिनिटी ही आएगी। यानी कि बहुत बड़ी पावर ले रहे हैं हम, इन्फिनाइट पावर ले रहे हैं उस पर। तो बहुत बड़ी पावर का मतलब है कि एक बहुत बड़ा आंसर हमें हमारे पास आएगा। तो 1 ओवर इन्फिनिटी यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, 1 ओवर इन्फिनिटी 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमारे पास 1 ओवर 1 प्लस 0 आ जाएगा। फाइनली हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1। तो यहाँ पर हमारे पास लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन का आंसर आ गया है 1। जब इनका आंसर इस तरह से आता है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में जब हम लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन का आंसर हमारे पास l आ जाता है, यानी कि कोई नंबर आ जाता है 0 के अलावा, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये इक्वल नहीं है 0 के। जब ये 0 के इक्वल नहीं होता तो फिर बहुत सीरीज बिहेव अलाइक होती हैं, दोनों सीरीज बिहेव अलाइक होंगी। जैसा कि बी एन अगर कन्वर्ज करेगी तो ए एन भी कन्वर्ज करेगी, बी एन अगर डिवर्ज करेगी तो ए एन भी डिवर्ज करेगी। बोथ सीरीज बिहेव अलाइक।
तो बोथ सीरीज बिहेव अलाइक होंगी। तो चलिए चेक करते हैं कि बी एन जो है क्या ये कन्वर्ज कर रही है। अगर बी एन कन्वर्ज कर रही है तो ए एन बी कन्वर्ज कर रही है, अगर बी एन डिवर्ज करेगी तो ए एन बी डिवर्ज करेगी। बी एन हमारे पास है 2 की पावर एन ओवर 3 की पावर एन। तो चलिए इसको देखते हैं, बी एन इक्वल है 2 की पावर एन ओवर 3 की पावर एन। इसको हम थोड़ा सिंपल करके ऐसे लिख देते हैं, 2 ओवर 3 होल की पावर एन। इस पर हम क्या करते हैं, इस पर हम लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी बी एन रेशियो टेस्ट अप्लाई कर देते हैं, इस पर सॉरी रूट टेस्ट इस पर अप्लाई करते हैं। रूट टेस्ट इसके लिए सूटेबल है, तो रूट टेस्ट इस पर अप्लाई करते हैं। रूट टेस्ट इस पर हम रूट टेस्ट अप्लाई कर देते हैं। जब हम इधर रूट टेस्ट अप्लाई करेंगे तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 ओवर 3 की पावर एन होल की पावर 1 ओवर एन, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 2 ओवर 3 रह जाएगी रकम, 2 ओवर 3 जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास लेस देन 1 आएगा, लेस देन 1 आंसर आएगा। अब बी एन का जो आंसर आ गया है वो लेस देन 1 है, लेस देन 1 रूट टेस्ट में जब लेस देन 1 आंसर आता है तो आपको याद होगा ये हमारे पास कन्वर्जेंट सीरीज होती है, सीरीज कन्वर्जेंट होती है। हेंस बी एन इज कन्वर्जेंट, सो द ए एन इज आल्सो कन्वर्जेंट सीरीज। तो ए एन बी हमारे पास कन्वर्जेंट आ जाएगा। सबसे पहले क्या किया हमने इस टेस्ट क्वेश्चंस में, इस क्वेश्चंस को हम दोबारा से रिपीट करते हैं एक मिनट में। सबसे पहले इस क्वेश्चंस में हमने लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई किया है। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में हमने इसको लेट कर लिया ए एन के इक्वल, उसके बाद बी एन के इक्वल लेट कर लिया। ए एन ओवर बी एन की हमने रेशियो निकाली तो हमारे पास ये आंसर आ गया, 3 की पावर एन ओवर 3 की एन प्लस 1। इस रेशियो पर हमने लिमिट अप्लाई की, लिमिट अप्लाई करने के बाद हमारे पास इसका 1 आंसर आ गया। जब हमने इसका आंसर निकाल लिया 1, हम देखेंगे कि नॉट इक्वल टू 0 है। अगर ये 0 आ जाता या इन्फिनिटी आ जाता, प्लस माइनस इन्फिनिटी, तो फिर तो सीरीज या तो कन्वर्जेंट होती या डिवर्जेंट होती। लेकिन अब हमारे पास 0 के इक्वल नहीं आया तो फिर बोथ सीरीज बिहेव अलाइक होंगी। अगर बी एन कन्वर्ज करेगा तो ए एन बी कन्वर्ज करेगा, अगर बी एन डिवर्ज करेगा तो ए एन बी डिवर्ज करेगा। बी एन पर हमने क्या किया है, रूट टेस्ट अप्लाई किया है। बी एन पर रूट टेस्ट अप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आया है 2 ओवर 3, 2 ओवर 3 जो कि लेस देन है 1 से, तो रूट टेस्ट में ये हमारे पास कन्वर्जेंट होता है। तो बी एन कन्वर्जेंट हो गया, हैंस ए एन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, तो ए एन बी कन्वर्जेंट होगा। अब इस क्वेश्चन पर, तो सिमिलरली इस क्वेश्चन पर हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट हमने लगाया, सॉरी बेसिक कंपैरिजन टेस्ट भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से भी हमारे पास ये जो सीरीज है, ये सीरीज हमें जो रिजल्ट देगी वो कन्वर्जेंट ही होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नया क्वेश्चन लेकर आएंगे और साथ इस क्वेश्चन पर हम बेसिक कंपैरिजन टेस्ट भी अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए इस चैनल्स को लाइक करें और चैनल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमन शेयर करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।